उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन वो अपना नामांकन पर्चा जरूर भरेंगे और वो जरूर इस लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए, नीरज का रुख करेंगे। नीरज, नेता देवेंद्र महतो को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो अपना नामांकन करने पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि ये विधानसभा घेराव मामला है, क्या कुछ पूरी जानकारी है पहले विस्तार में हमारे दर्शकों को बताए। देखिए, रांची पुलिस के अनुसार ये वर्ष 21 और 22 का मामला बताया जा रहा है और लालपुर थाने में दर्ज एक मामले को लेकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। और कोरोना काल के दौरान बहुत सारे जो उल्लंघन हुए थे उसको लेकर जो कहने का रांची पुलिस ने कार्रवाई की है। और देवेंद्र नाथ महतो जो कि रांची लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय पहुँचे थे और कार्यालय के पास से ही जो है रांची पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और गिरफ्तारी के बाद रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और पेशी के बाद उन्हें रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है। हालांकि जब उस दौरान हमने देवेंद्र नाथ महतो से बात की तो उनका कहना है कि वो जेल से ही नामांकन दाखिल करेंगे और वो बतौर प्रत्याशी रांची लोकसभा क्षेत्र से खड़े होंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे अधिवक्ताओं से भी मैंने बात करने की कोशिश उनके जो है राय लेने की कोशिश की और क्या कुछ कानून के तहत जो है कार्रवाई हो सकती है, क्या कोई व्यक्ति गिरफ्तारी में चुनाव लड़ सकता है। तो बहुत सारे अधिवक्ताओं ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति पर आरोप साबित ना हो तो वो चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं देवेंद्र नाथ महतो एलिजिबल है चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि डिपेंड करेगा देवेंद्र नाथ महतो पर कि देवेंद्र नाथ महतो चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे उन्हें अगर जेल से नामांकन दाखिल करना हो तो वो जेल से भी नामांकन दाखिल करेंगे। तो देखिए, इंतजार करना हो देवेंद्र नाथ महतो आगे क्या कुछ करते हैं, क्या देवेंद्र नाथ महतो जेल में रहते हुए अपना नामांकन पर्चा भरते हैं या फिर कोई दूसरा मूव जो है वो देवेंद्र नाथ महतो की तरफ से देखने को मिलता है। देखिए, अगर बात करूं काजल, तो कुछ इसी तरह का मामला आपने बीते दिनों बोकारो में भी देखा होगा, जो कि जेबीकेएसएस के नेता है जयराम महतो, वो भी नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। उस दौरान भी जो है जो रांची पुलिस थी वो वहां पर पहुंची हुई थी और कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने के लिए पहुंची हुई थी। हालांकि अब जो है वो रांची पुलिस की गिरफ्त से बाहर है जयराम महतो, लेकिन जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उन्हें बुलाया है 7 तारीख को उन्हें और नोटिस जारी किया गया है। हालांकि देखने वाली बात होगी वो क्या कुछ करते हैं। लेकिन उसी बीच जो रांची लोकसभा क्षेत्र से बतौर प्रत्याशी नजर आ रहे थे जेबीकेएसएस यानी कि जेएलकेएम के नेता जो है उनको गिरफ्तार कर लिया है रांची पुलिस ने। और ये मामला बताया जा रहा है कि कोविड काल में उल्लंघन का मामला है और उस दौरान आपने देखा होगा बहुत सारे जो है प्रोटेस्ट रांची में देखने को मिला था विधानसभा घेराव समेत, और रांची का अल्बर्ट टेका चौक के पास भी बहुत सारा घेराव हुआ था, सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो कुछ इस तरह का ही मामला जो है रांची पुलिस के जो सूत्र बताते हैं उसके हिसाब से जानकारी मिली है कि लालपुर थाना में जो दर्ज मामला है उसी के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और देवेंद्र नाथ महतो की गिरफ्तारी हुई है। और रांची के अगर समाहरणालय के बगल के जो व्यवहार न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट है वहाँ की अगर स्थिति की बात करूँ, जब देवेंद्र नाथ महतो को लाया गया तो देखिए सिक्योरिटी, देखिए मेरे पीछे किस तरह से सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था, भारी संख्या में पुलिस बलों की और अन्य बलों के जो है यहाँ पर तैनाती की गई थी। और क्योंकि अभी देवेंद्र नाथ महतो की पेशी हो गई है और यहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया, तो जितने भी सुरक्षा में तैनात लोग थे वो अभी जा रहे हैं और देवेंद्र नाथ महतो को जेल भेज दिया। देखने वाली बात होगी काजल की आगे देवेंद्र नाथ महतो क्या कुछ करते हैं, क्या वो नामांकन पत्र जो है रांची लोकसभा क्षेत्र से बतौर प्रत्याशी दाखिल कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। लेकिन इंतजार करना होगा देवेंद्र नाथ के नेक्स्ट मूव का। जी नीरज, हमने सुना कि देवेंद्र महतो अपनी गिरफ्तारी के बाद लगातार सवाल उठा रहे थे कि वो लगातार अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन आज जब वो पर्चा भरने गए, नॉमिनेशन करने के लिए गए, तब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वो लगातार सवाल उठाते हुए नजर आए हैं रांची पुलिस पर, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार इस तरह के क्योंकि चुनाव का समय है तो चुनाव इस तरह की बातें जो प्रत्याशी है वो कहते हुए नजर आते हैं, और कोई भी प्रत्याशी अगर गिरफ्तार होता हो तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे या फिर प्रशासन के पीछे बहुत सारे जो पदाधिकारी होते हैं उन पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। तो देवेंद्र नाथ महतो भी कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा चुनाव है, चुनाव में इस तरह के मुद्दे निकल कर लगातार सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं देवेंद्र नाथ
महतों ने भी उसी तरह की बात जो है कहने की कोशिश की और अपने ऊपर जो आरोप लगे हुए उसको कहीं ना कहीं गलत बताया, ये कहा है कि लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, गलत तरीके से जो है उपयोग किया जा रहा है। तमाम बातें जो है देवेंद्रनाथ महतो ने कोर्ट के पेशी से पहले कहा था, लेकिन कोर्ट के पेशी के बाद उन्होंने बहुत सारी और बातें उसमें एड ऑन किया है और ये कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि कानून क्या कुछ कहता है और क्या देवेंद्रनाथ महतो के पास जो तमाम जो कागजात है और जो बहुत सारे मामले दर्ज है उसमें बेल मिला हुआ है या फिर नहीं मिला हुआ, तो डिपेंड करता है आगे क्या कुछ होता है। देवेंद्रनाथ महतो क्या कुछ करना चाहते काजल? जी नहीं रज, बिल्कुल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि देवेंद्र महतो की गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें जेल भेज दिया गया है, होटवार जेल में उन्हें पुलिस के द्वारा ले जाया गया है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।